पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए, जो 70 साल में एक भी नहीं दिए, केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो, एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ओल्ड सिटी में एक बार सीएम साहब दौरा करे तो एक लड़की आई थी, उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे, पिताजी का तनख्वाह है 5,500 रुपए महीने में, पिताजी का तनख्वाह है 5,500 रुपया। वो लड़की केसीआर साहब को मिलकर दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। लड़की का नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा ने सीएम साहब को दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं, कितना पैसा जरूरत है? लड़की बोले कि 35 लाख रुपए का जरूरत है। सीएम साहब फौरन वो लड़की को 35 लाख सैंक्शन करा के उनको पायलट ट्रेनिंग दिलाई। वो आप जानना चाहे वो लड़की का आज क्या तनख्वाह है? वो बड़े बड़े फ्लाइट चला रही, वो लड़की का तनख्वाह है आज महीने में 5 लाख रुपया। उनका पिताजी का तनख्वाह था 5,500, वो लड़की को आज पायलट बना के महीना में 5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रही। वो लड़की जो आज 3,50,000 बच्चे अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे तनखे उठाने वाले हैं कल के दिन। कुछ दिए तो आज रहता कल जाता, लेकिन पढ़ाई मिले तो जिंदगी भर रहता है वो। एक बार पढ़ाई हो सके वो घर पीछे नहीं देखती, आगे ही जाते हैं। वो सीएम साहब ने एक काम कर रहा है, आज 3,50,000 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के वो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर बनाने का काम देख रहे हैं। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, आज है फिर वो ऐसा जमाना लाना है। इस वास्ते अपने बच्चे अच्छा पढ़ना है, इसके लिए सीएम साहब ने इतने स्कूल खुले हैं। अपन गरीब थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पढ़ा सकते। अगर से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं मिलता, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। इस वास्ते सीएम साहब ने इतना खर्च करे, 2,140,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने खर्च कर रहे हैं। ये आप कोई दरखास्त नहीं दिए, कोई दफ्तर में नहीं गए, कोई दरखास्त नहीं दिए हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए, सोचो बोल के सीएम साहब को कोई नहीं बोले। लेकिन सीएम साहब खुद चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का पढ़ाई अच्छा हो। और एक बात भी बोलना चाहता हूं मैं, आप पूरा 28 राज्यों में परसों के दिल्ली के सरकार ने बोला माइनॉरिटी लड़कियां सबसे ज्यादा कोई राज्य में पढ़ रहा है तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। 28 राज्य में माइनॉरिटी सबसे लड़कियां ज्यादा कहां पढ़ रहे बोले तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। क्यों? सीएम साहब ने 100 स्कूल बच्चियों के लिए भी खुले हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ना, हमारे माइनॉरिटी बच्ची भी पढ़ना चाहिए बोल के 100 स्कूल बच्चियों के लिए सीएम साहब ने खुले हैं। सो ये आप सब जानना चाहिए। जैसा हमारा सलवा फातिमा आज पायलट बने, वैसा 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे लड़की जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे पायलट बनते, डॉक्टर बनते, ऑफिसर बनने वाले हैं। सो ये सब आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लिखना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना केसीआर साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में, ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में, लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से
सुकून बोल तुम भाई, अब बहुत बोलना है। मैं कुछ भूल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनख्वाह पहली बार अपनी दे रहा है और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपये सलीम भाई कोई गवर्नमेंट देते लेकिन 10 लोगों को 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते, लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते, कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था, एक रुपया कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज इस अपने देश में 28 राज्यों में हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में केसीआर साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे, सीएम साहब कुछ सोचे, हमारा सेंटीमेंट है अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से, अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं आपके सहूलत के लिए, आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपये से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है वहां पर। ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं, रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बहनों को देते हैं। ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी, आजकल वो खुद संघ परिवार में काम कर रहा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ करा बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा, आज बोलता है बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं, आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावते इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महल में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं, ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए, आपके लिए भी जो मुद्दा है जरूर महमूद साहब हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी पूरी हम मदद करेंगे, हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। सो फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन है वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना।